पूरा एक किलो का बटर डाल दिए। शराब भी मुझे ये बताए आपकी सबसे यूनिक चीज क्या है? हमारे काजू वाले कबाब हैं। और ये आगे जी हमारी मलाई बोटी, ये देखें माशाल्लाह। इसमें बाकी यार ये काजू बादाम वाला जो भाई बता रहे थे ना, वो वाला कंसेप्ट है माशाल्लाह, उसका टेस्ट है इसमें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी हमारा दिल कर रहा है जी बहुत एक डिफरेंट सी चीज खाने का, एक हटके चीज खाने का। उस चीज को आज खाने के लिए हम जा रहे हैं ग्रिल बादशाह। ग्रिल बादशाह वालों के पास जो स्पेशलिटी है ना, वो ये है कि उनकी जो टिक्का वैराइटीज है वो सारी बटर और क्रीम में बनाई जाती है। क्रीम और बटर उनका जो होता है वो इम्पोर्टेड होता है, अच्छी चीजें होती हैं। तो खैर बिना किसी देर के चलते हैं जी धर्मपुरे। अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे गले में अभी से ही पानी आ गया, अभी तक खाया नहीं है तो पानी अभी आ गया। खैर बिना किसी देर के चलते हैं वहाँ पे ग्रिल बादशाह पे, आपको जाके वहाँ पे दिखाते हैं और उनका रिव्यू देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी पहुंच जाए। शुक्रिया। कुछ ऐसा सेटअप है माशाल्लाह, ग्रिल बादशाह ये है सारा इनका सेटअप है ग्रिल बादशाह। तो ट्राई करते हैं भाई से, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपको बताते हैं कि क्या इनकी स्पेशलिटीज़ हैं, कि जो लोगों का माशाल्लाह यहाँ पर रश रहता है और अच्छी चीज़ है, यूनिक है, एक डिफरेंट चीज़ है माशाल्लाह। यहाँ टिक्के हैं, यहाँ पे मक्खन नेबलेट है, काजू कबाब है, फिर मक्खन मलाई बोटी है, चिकन दुमची है, मक्खन टिक्के है वहाँ यहाँ पर। तो ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं जो सबसे अच्छी चीज़ जो है। पूरा एक किलो का बटर डाल दिया इसमें माशाल्लाह, ये भी कह रहे हैं हमारा क्वालिटी अच्छी है, ये ब्रांड के होते हैं बटर। ये मेल्ट हो रहा है इस पर, देखिए ये टिक्का इस पर लगाया जाता है, ये बटर लग रहा है। ये क्या चीज़ है, किस पे लगा रहे हैं बटर? ये मलाई बोटी के ऊपर लगा रहे हैं, मलाई बोटी के ऊपर बटर लग रहा है जी माशाल्लाह। बटर का एक अपना ही जायका होता है माशाल्लाह, धुआं काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह। वो जो दूसरी साइड पर प्रेम है वो कच्चे हैं, तो ये इस वाली साइड पर अभी तो हाफ डन है, हाफ डन हो गया है ये वाले, ये हाफ डन है, इसके ऊपर बटर लग गया, बटर लगता है हाफ डन होने के बाद। अच्छा हम मौजूद हैं इस दुकान के जो ओनर हैं शिराज भाई, उनसे कुछ व्यू लेते हैं दुकान के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिराज भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का ठीक है। शिराज भाई आपका जो काम है कैसा चल रहा है माशाल्लाह? काम शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह जी, रौनकें लगी हुई हैं माशाल्लाह। शिराज भाई मुझे ये बताए आपकी दुकान की सबसे यूनिक आइटम कौन सी है माशाल्लाह? एक मैंने सुना यहाँ पे दिल्ली स्टाइल में जो बटर चिकन बनाते हैं आप, तो वो क्या चीज़ है आपकी? भाई दिल्ली स्टाइल नहीं है, ये पाकिस्तानी स्टाइल है। दिल्ली स्टाइल और चीज़ है, वो पीली मिर्ची वगैरह इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने वो खाया नहीं है ना मुझे उसके बारे में पता है। हम पाकिस्तान में इसको बना रहे हैं, पर भाई बटर आ जाता है हमारा, उसके बाद क्रीम आ जाती है, क्रीम के बाद जो चिकन वगैरह वो भी हम सारा ब्रांडेड और क्वालिटी का यूज़ करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अगर किसी बंदे को शक है तो वो आगे फ्रीज़र देख सकते हैं। ये बटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? बटर मैं दो कंपनियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस टाइम, दोनों ही डेरीज के लिहाज से सर्टिफाइड हैं पंजाब फूड अथॉरिटी से। उनके अलावा मुझे नहीं आई थिंक लगता है कि किसी के पास लाइसेंस है बटर सेल करने का। अच्छा माशाल्लाह। एक पंजाब डेरी है और एक मालमो है, इन दोनों का करते हैं। मालमो बेकर्स का इम्पोर्टेड क्रीम होती है जो ईरान से इम्पोर्ट हो रही है। अच्छा, उसको यूज़ करते हैं। अगर बिल फर्ज वो ना मिले तो देन हम ऑल पर वो आप दिखाएंगे मुझे आपके पास है? मैं आपको ये पड़ी हुई है। नहीं जी ये क्रीम है, ये ईरान से इम्पोर्ट की हुई है भाई जान ने माशाल्लाह, ये इस पर लगाते हैं माशाल्लाह। हर चीज़ यहाँ पर ब्रांड की है, खालस है, अच्छी है, यहाँ पे सेहत के साथ कोई समझौता नहीं है, यहाँ पे अच्छी चीज़ें खालस मिलती हैं आपको। शराब भी मुझे ये बताएं आपकी सबसे यूनिक चीज़ क्या है? हमारे काजू वाले कबाब हैं, वो अनफॉर्चुनेटली आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, उसके अंदर काजू बादाम पिस्ता और मक्खन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे आपको टेस्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हर चीज़ हमारी स्पेशल है क्योंकि हम लोग हर चीज़ प्यार और मोहब्बत से बना के कस्टमर को देते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ भी यही होती है कि दुकानदार का प्यार और मोहब्बत कस्टमर कैच करें। आज हमें क्या ट्राई करवाएंगे आप? आप जो कहोगे मैं आपको ट्राई, आप क्या ट्राई करवाएंगे? हमें तो सारा कुछ देख के हमारे मुंह में पानी सा आ रहा है, तो दिल बेईमान सा हो रहा है। जो ज्यादा फेमस है वो नेबलेट है जी और मलाई बोटी है। आप ऐसा करें नेबलेट और मलाई बोटी हमें ट्राई करवाएं। ओके
तो कितने टाइम में ये डन कर लेते हैं आप? ये 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि हम लोग अंगीठी के ऊपर ना हमने पंखा नहीं लगाया हुआ। जी जी। पंखा लगाने से ना कोयले का सेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उससे वो माल जो होता है ना, चिकन वगैरह होता है, वो ऊपर से तो आपको लग जाता है कि पक गया, मगर अंदर से कच्चा रहता है। शराज भी मुझे ये बताएं, ये जो बटर और क्रीम वाला आइडिया है, ये कब आपके जहन में और कैसे आया? 1992 में मेरे वालिद साहब के जहन में आया। अच्छा। मेरे जहन में नहीं था। बरों की ये बनाई हुई शाखें हैं, बरों के लगाए हुए दरख्त हैं, लगाए हुए बूटे हैं, हम तो इससे आप तोड़ तोड़ के फल खा रहे हैं। माशाल्लाह। कुछ स्पेशल से कुछ मसाले भी हैं जो आपकी अपने रेसिपी है, वो कौन से है वो दिखाएं जरा मुझे। ये मसाले हैं, ये हमारा मसाला है जो असल में हमारी इस रेसिपी की जान है। ये शेयर करेंगे मेरे साथ? ये शेयर करने से माजरत की है भाई ने, अक्सर शॉप पे जाएं तो ये ऐसा ही सुनने को। आपको बता देता हूँ, मोटी मोटी चीजें जो है, बादाम, काजू और पिस्ते का हमने पाउडर बना के उसके अंदर डाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। फुल चीजें हैं वो, कुछ नहीं, 5000 रुपए केजी हमें खुद पड़ता था यार। यानी फुल ड्राई फ्रूट वाला काम है यहाँ पे। ये जी माशाल्लाह हमारा ऑर्डर लग गया। यहाँ की जो सबसे यूनिक आइटम है ना वो है जी कबाब। चिराज भाई बता रहे थे कबाब जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, इस टाइम नहीं है, तो उसके बाद जो स्पेशल चीज़ है वो है नेबलेट और मलाई बोटी। कह रहे थे आपको हम वो ट्राई करवाएंगे। ऑर्डर हमारा लग गया है, तो वेट करते हैं इसके रेडी होने का, फिर आपको बताएंगे जी इसका टेस्ट, इसका रिव्यू। जी हमारा आ गया मलाई बोटी। मलाई बोटी भी हमारा रेडी हो गया है जी। मलाई बोटी, और ये आ गया बटर। सही बटर, सीक्रेट मसाला, ये सीक्रेट मसाला आ गया इनका। मैं देखूंगा। और ये आ गई जी ईरानी क्रीम, ये रेडी हो गया है जी, ये सर्विंग के लिए रेडी है। अब इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट आपको रिव्यू देते हैं इसका। ग्रिल बादशाह के जो हमने चिकन टिक्का और चिकन नेबलेट लगवाए थे वो आ गए हमारे पास। ये रे जी हमारे माशाल्लाह चिकन नेबलेट और चिकन टिक्का, ये हमारे चिकन टिक्का और चिकन नेबलेट बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं शक्ल से, तो खा के आपको बताते हैं। साथ हमने नान मंगवाया, पर मेरा नहीं दिल कर रहा कि नान खाएंगे या नहीं खाएंगे। शबाज भाई आप खाएंगे नान को? नहीं यार भाई, नहीं खाएंगे हम, विदाउट नान इसको टेस्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक शख्सियत के साथ तारुफ करवाएंगे, वो शख्सियत किसी तारुफ के मुताज नहीं है। माशाल्लाह एज है जी उनकी 5 साल, और काम है जी उनके बड़े बड़े, अल्लाह ताला उनको नजर बच से बचाए। और वो जी बड़े शेफ, छोटे बच्चे हैं और काम है उनके शेफों वाले। माशाल्लाह ये भी एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पे ये काम करते हैं, इनके यूट्यूब का नाम है जी रोजी रोटी। वहाँ पे ये कुकिंग करती हैं, माशाल्लाह छोटी सी हैं और वहाँ पे कुकिंग करती हैं, तो इनके साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आज का ये जो हमारा व्लॉग है इनके साथ बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फजर? ठीक हो फजर? आप ही मुझे ये बताए, आप इनमें से क्या खाना पसंद करेंगे? आपने क्या खाया अभी? क्या खाया? यही खाया। अच्छा लग रहा है। तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको क्या गाइड करेंगे? अच्छा लगे आपको टेस्ट? अच्छा लगे जी माशाल्लाह इनको टेस्ट अच्छा लगे। तो जब आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग वाला जायका आपको मिलता है यहाँ पे? जो आप कुकिंग करते हो वो भी मिलता है जायका आपको? तो कुकिंग का आपको शौक़ है? बाबा करवाते हैं जी माशाल्लाह, इनके जो बाबा है ना वो इनको कुकिंग करवाते हैं उनको। आप हमारे साथ खाना खाएं ना तो फिर आप ले जाते हैं, ठीक है? फजर ने ट्राई कर लिया माशाल्लाह, फजर आपी ने खा लिया। फजर आपी कैसा टेस्ट है इसका? अच्छा लगे? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना रिव्यू देते हैं क्या टेस्ट है इनके टिक्का में और नेबलेट में, तो आप उसके साथ इनका रिव्यू शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा नेबलेट। नेबलेट टेस्ट के, नेबलेट की लुक देखें माशाल्लाह, बटर है, बटर के ऊपर क्रीम है, क्रीम भी इम्पोर्टेड है, बटर भी इम्पोर्टेड है। नेबलेट लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह इसमें। बाकी यार ये काजू बादाम वाला जो भाई बता रहे थे ना वो वाला कंसेप्ट है माशाल्लाह, उसका टेस्ट है इसमें माशाल्लाह। ये जो नेबलेट है ना बहुत सॉफ्ट है और पका भी बहुत मज़ेदार सा हुआ है, अच्छा सा बना हुआ है। आराम से जो ना इसकी बोटी जो ना आराम से उतर रही है, कोई इस पर जोर नहीं लगा ना कोई भी इस पर मसला नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छा तरीके से बना हुआ है, इसके मसाले बहुत अच्छे हैं। अगर वो बात आती है जी ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, वो नहीं है भाई, नॉर्मल है। इसमें बटर का टेस्ट है और टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर पॉइंट की बात की जाए ना तो पॉइंट तो भाई जान अभी नहीं देने,
जब मलाई बोटी खाएंगे फिर बताएंगे कि नेब्रेड काफ़ी अच्छे हैं या मलाई बोटी ज़्यादा अच्छी है। तो इसके बाद हम मलाई बोटी टेस्ट करते हैं। मलाई बोटी का एक लेते हैं पीस। और ये आ गई जी हमारी मलाई बोटी, ये देखें माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी पकी हुई है। ये देखें कोई ज़ोर वाला काम नहीं इस पर, बहुत आसानी से ये टूट रही है। और टेस्ट देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं फिर आपको इसका मलाई बोटी का रिव्यू बादशाह ग्रिल वालों की। बिस्मिल्लाह। जो बटर का कंसेप्ट है ना वो दोनों में इक्वल है, मज़ेदार है। नेबलेट में भी बटर का कंसेप्ट अच्छा था और चिकन मलाई बोटी में भी इनका बटर का कंसेप्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है, पर ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा मज़ेदार जो है ना वो नेबलेट है। नेबलेट टू मच है माशाल्लाह। अगर पॉइंट की बात की जाए तो 10/10 नेबलेट, अगर मलाई बोटी की बात की जाए तो मलाई बोटी 10/9, बहुत मज़ेदार है, यह भी बहुत अच्छी है। तो नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि आप इसको नान के साथ खाओगे, ये बग़ैर नान के खाने वाली चीज़ है। नान मैं आपको मशवरा दूंगा, वैसे अगर भूख लगे तो नान आप खा सकते हो, तो मेरा मशवरा यही है कि विदाउट नान ये बहुत मज़ेदार है। तो इसको खाते हैं, ठंडा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। शुबाद भाई भी साथ है, वो मुझे इतनी इतनी बड़ी आँख देख रही है, इतनी इतनी बड़ी बात, इसी तरह ही है नहीं भाई? भूख लग रही है? नहीं बिल्कुल भी अभी नहीं लग रही। नहीं लग रही जी, तो ठीक है फिर आप नहीं खाए, मैं खा लूँ फिर सारा। सही कह रहे हैं, यानी इसका मतलब आपको भूख मतलब लग रही है, काफ़ी तेज़ होते जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ भूख लग रही है। मुझे तो ये नेबलेट ज़्यादा अच्छे लगे हैं, स्पाइसी दोनों चीज़ें नहीं है, नॉर्मल है। नेबलेट अच्छे थे और मलाई बोटी भी अच्छी है, पर नेबलेट 10/10 है। मलाई बोटी हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, पर मैं रेकमेंड करूँगा ये चीज़ आपको अच्छी है, ये जगह भी अच्छी है और चीज़ भी अच्छी है। यहाँ पर डाइनिंग की सिस्टम भी है, यहाँ पर आप फैमिली के साथ आके भी खा सकते हो। तो माशाल्लाह जी बादशाह ग्रिल वालों के जो नेबलेट और चिकन टिक्का मलाई बोटी थी बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार आपको रिव्यू दिखाया, नरम थी, ये ज़्यादा स्पाइसी वाला काम नहीं था, ये नॉर्मल भी खा सकते थे आप भी, आप बैलेंस रखा हुआ था इन्होंने। तो खैर आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला आपके रिस्क जान माल इज्जत में बरकत दे, अल्लाह निगहबान।